कनखल। हरिद्वार का वो सबसे प्राचीन स्थान जिसे दुनिया की सबसे पुरानी जगहों में से एक माना गया है, जिसका जिक्र वायु पुराण में भी किया गया है और महाभारत में भी। महाभारत में इस स्थान को कानाखाला कहा गया है। हरिद्वार के बारे में कहा जाता है कि जिसे हरिद्वार के बारे में जानना हो उसे कनखल आना ही होगा। तो आइए इस वीडियो में हम भी जानते हैं कनखल के बारे में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। कनखल राजा दक्ष की नगरी और महादेव का ससुराल और दुनिया की सबसे पुरानी जगहों में से एक और मेरा घर। अभी तक मैं आपको हरिद्वार की तमाम जगह दिखाता रहता हूँ, पर यहाँ पे आज मैं जहाँ आपको लेके आया हूँ ये है कनखल, हरिद्वार का सबसे पुराना इलाका, और यहाँ पर हैं तमाम मंदिर और घाट। तो इस वीडियो में हम उन सबको एक्सप्लोर करेंगे आराम आराम से। शुरुआत करते हैं कनखल में स्थित पायलट बाबा के आश्रम से। ये एक ऐसा स्थान है जहां आपको भक्ति और देशभक्ति का एक अनूठा संगम देखने को मिलेगा। हरिद्वार में बहुत सारे आश्रम मंदिर है, उसी में से एक है पायलट बाबा का आश्रम, जहां की सुंदरता देखते ही बनती है। यहां आपको अद्भुत शांति का एहसास होगा और यहां का माहौल भी एकदम भक्तिमय है। इस आश्रम में सबसे ऊँची प्रतिमा भगवान शिव जी की है, जो सच में बहुत विशालकाय और अद्भुत है। पायलट बाबा आश्रम के अनुयायी दुनिया भर से जुड़े हुए हैं, तो आप हरिद्वार आए तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। पायलट बाबा के आश्रम से जब आप आगे बढ़ते हैं तो फिर आता है दुनिया का एक अनूठा मंदिर और अपनी तरीके का एकमात्र मंदिर, यंत्र मंदिर, जो कि अभी नया मंदिर है। इस मंदिर की सुंदरता आपको आकर्षित करेगी क्योंकि इसकी संरचना बिल्कुल एक यंत्र के आकार की है। मंदिर के भीतर ललिता त्रिपुरा सुंदरी रूप की प्रतिमा है। इसके संरक्षक हैं आचार्य महामंडलेश्वर विश्व देवानंद जी महाराज। आप हरिद्वार आएँ तो इस अनूठे मंदिर के दर्शन अवश्य करें। जो आप सामने देख सकते हैं ये शीतला माता का मंदिर है और गंगा के साथ साथ में घाट है, और देखिए बहुत धार्मिक महत्व है यहाँ का। सामने ये जो दिख रहा है ये है शीतला मंदिर, और ये यहाँ पे आप देखिए यहाँ पिंडदान वगैरह होते हैं, और गंगा जी के साथ साथ ये घाट चलते हुए, और दोनों तरफ गंगा जी के घाट हैं यहाँ पर। तो मैं आज आपको घाटों के दर्शन कराता हूँ, प्राचीन हरिद्वार भी बोल सकते हैं आप इसे। देखिए खूबसूरत सा यहाँ पे रहता है हमेशा माहौल, सुबह शाम के टाइम पर बहुत अच्छा लगता है। अब हम जो सामने यहाँ से निकल रहे हैं वो है दक्ष मंदिर। दक्ष मंदिर यानी महादेव मंदिर है ये, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा, दक्ष प्रजापति, वो पीछे दर्शन कर लीजिए। दक्षेश्वर महादेव यानी दक्ष प्रजापति, इस मंदिर के बारे में आपने अवश्य सुना होगा। ये हरिद्वार के सबसे प्रमुख स्थानों में से एक है। महादेव की जो प्रथम पत्नी थी माता सती, उनके पिता थे राजा दक्ष, जिनकी अपने दामाद से बिल्कुल नहीं बनती थी, और उन्होंने महादेव को अपमानित करने के लिए एक बार यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने महादेव को नहीं बुलाया था। इस बात का जब पता माता सती को लगा तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने अपने पिताजी से जाके इस बारे में पूछा, और जब उनका भी अपमान हुआ तो उन्होंने वहीं पर हवन कुंड में ही अपने आप को उस अग्नि में स्वाहा कर लिया, जिसके बाद महादेव बहुत क्रोधित हुए थे और उन्होंने राजा दक्ष का वध करवा दिया था वीरभद्र के द्वारा। तो यही है इसका पौराणिक इतिहास, और बहुत ही मान्यता है, और दूर दूर से आते हैं लोग सावन में इस मंदिर में, बहुत भीड़ लगती है, कांवड़िए बहुत आते हैं। तो आप हरिद्वार आएँ तो दक्ष प्रजापति के दर्शन अवश्य करें। तो बहुत अच्छा और सुहाना सा यहाँ पे माहौल रहता है, और पवित्र सा एकदम अध्यात्म जिसे बोल सकते हैं आप। तो देखिए कितना सुकून मिलता है यहाँ पर। ये पुराना हरिद्वार है, यहाँ पर ज़्यादा आपको भीड़ भड़का नहीं मिलेगा, यहाँ पे ऐसे ही शांति मिलती है, और सुबह सुबह शाम यहाँ पे लोग योगा वगैरह भी करते हुए मिल जाते हैं, और गंगा जी बहुत ही शीतलता के साथ यहाँ पे बहुत ही प्यार से यहाँ पे बहती है। और देखिए सामने की तरफ लोग ऐसे आते हैं पूजा वगैरह करते हैं ऊपर दक्ष के पीछे से, और देखिए घाट ऐसे आगे तक घाट हैं। तो चलिए और आगे मैं दिखाता हूँ आपको। आप बोल सकते हैं सौम्य रूप है गंगा जी का, और बीच में देखिए लहरें बनती हुई, और ये एक और जो आपको गेट दिख रहा है ये भी दक्ष का ही है। मेला लगता है यहाँ पे पीछे, खाली इलाका है। और अभी हम आगे की तरफ जो बढ़ रहे हैं और दिखाता जाता हूँ मैं आपको।
दोस्तों जो बोलते ना असली हरिद्वार धर्म नगरी की जो असली पहचान है वो आपको कनखल में ही मिलेगी। तो जब आप हरिद्वार आते हैं तो कनखल में भी आप आके रह सकते हैं, आपको बहुत शांति मिलेगी। यहाँ पर अध्यात्म है, शांति है, सुकून है। जो बोलते हैं ना ज़्यादा चहलकदमी यहाँ पे होती नहीं है, आराम से आप अपने मंदिरों के दर्शन करें और सुबह शाम यहाँ पे योगा कर सकते हैं आप। अच्छा अद्भुत। और देखिए चलते चलते जैसे अब मैंने आपको वहाँ दक्ष मंदिर के हम आगे से निकले थे और ये अब आप जो देख रहे हैं आगे ये है श्री पंचायती अखाड़ा। बड़ा उदासीन अखाड़ा है, जो अखाड़े हैं ना हरिद्वार में जो कुंभ में आपने देखे होंगे अखाड़े, तो उनमें से एक अखाड़ा है बड़ा उदासीन अखाड़ा। यहीं पे उनकी पेशवाई वगैरह जब निकलती है यहीं पे वापस आती है। गंगा जी का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है बीच में। और ये आपको ये दिख रहा है ना ये पत्थर वत्थर उखड़े हुए, ये जब बहुत ज़्यादा आता है पानी जो मैंने दिखाई है जिनकी वीडियो, तब ये उखड़ के आ जाते हैं बह बह के टूट टूट के। पर दृश्य बहुत ही मनमोहक है। तो अब देखिए कुछ ड्रोन शॉट और देखिए कैसा लगता है कनखल। तो दोस्तों यही थी एक खूबसूरत सी छोटी पर शान सी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो कनखल के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट करना, मैं ज़रूर बताऊंगा। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर सुबह शाम के टाइम पे जब हम योगा वगैरह करते हैं और बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, तो आपने देख ही लिया है असली जो हरिद्वार है वो आपको कनखल में ही देखने को मिलेगा। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर देना, क्योंकि चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए आती रहेंगी। तो फिर मिलता है किसी नई वीडियो में, नए ब्लॉग में, नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय उत्तराखंड, बाय बाय।